नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 19 मई को ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जिस क्रैश में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी की जान जाती है और इनके साथ सात और अलग लीडर्स की भी जान जाती है। क्योंकि ईरान में प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है, ये सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है। पहला पोजीशन जो है वो वहां के सुप्रीम लीडर अली खुमेनी का है। क्योंकि ईरान में प्रेसिडेंट का पोजीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसीलिए 20 मई से लेके लगभग 5 जुलाई तक ईरान इसी जद्दोजहद में लगा रहा कि उनके अगले प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं। 5 जुलाई को ईरान में इलेक्शन होते हैं और ठीक अगले रोज यानी कि 6 जुलाई को ईरान को यह मालूम पड़ता है कि उनके जो अगले प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। नॉर्मली देखा जाता है कि कहीं पे भी अगर लीडरशिप चेंज होता है तो अलग अलग देशों के साथ जो संबंध है उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी बीच अगर बात किया जाए भारत के बारे में, तो भारत के जो संबंध है वो ईरान के साथ फेयरली अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पे लीडर चेंज हो गए, इसलिए भारत मसूद पेजेस्कियान को कैसे देखते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जब भी हम जियोपॉलिटिक्स या किसी भी देश का इंटरनल पॉलिटिक्स को हम देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें कॉमन देखने को मिलता है और कुछ पॉइंट्स हमें कॉमन देखने को नहीं मिलता है। जहां तक बात किया जाए पेजेस्कियान के बारे में, तो इनके बारे में जो अभी कहना है वो ये है कि ये काफी लिबरल विचार के हैं और ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हैं। और इनका जो ओवरऑल अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से है कि ये ईरान के जो सोसाइटी है उसमें रिफॉर्म लाना चाहते हैं। यानी कि जो भी वैसे नियम कानून ईरान में अभी भी चल रहे हैं जो काफी पुराने हो गए हैं या वो किसी भी तरीके से समय के साथ नहीं चल रहे हैं, तो इनके बारे में कहना है कि ये उन सब नियम को चेंज करना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच क्या है कि किसी भी देश में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बदलने से उस देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये मानना थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो बन जाते हैं खुमेनी। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम ईरान में होता है आज के डेट में, तो उसका जो लास्ट अप्रूवल होता है वो कहीं ना कहीं बिना वहां के सुप्रीम लीडर का अप्रूवल का नहीं हो सकता है। और जहां तक बात किया जाए सुप्रीम लीडर का, तो ये जो सुप्रीम लीडर का जो कंसेप्ट आया ही है, ये आया है 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ही। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम लीडर का जो कंसेप्ट है या उनका जो अथॉरिटी है, लोग उसको चैलेंज करेंगे। तो ये मानना कि मसूद पेजेस्कियान के सिर्फ प्रेसिडेंट बनने से वहां के सोसाइटी में कोई मेजर बदलाव आएगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। तो यहीं पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अभी बढ़ चढ़कर कोई भी क्लेम करना थोड़ा सा बेवकूफी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी सिग्निफिकेंट पोजीशन में नहीं होते हैं तो आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मली भारत में भी देखा जाता है कि जो अपोजिशन पार्टीज होते हैं वो बढ़ चढ़कर क्लेम करते हैं, लेकिन जब उनको सत्ता मिलता है तो वो मोर और लेस वही काम कर रहे होते हैं जो उस वक्त या किसी टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट यूके में इलेक्शन हुआ, जहां पे 14 साल के बाद लेबर पार्टी की जीत होती है, तो वहां पे भी एक ट्रेंड देखने को मिला जहां पे साल 2019 के कंपैरिजन में साल 2024 में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो कम था। साल 2019 में कुछ 67.4 या 5% का वोटिंग था, लेकिन वहीं साल 2014 में वो घट के 60% हो गया। जहां तक बात किया जाए ईरान के बारे में, तो यहां पे भी कुछ 40% लोग ही वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जहां तक बात किया जाए भारत के बारे में भी, तो यहां पे भी जो वोटिंग टर्न अराउंड होता है वो भी कम ही होता है। तो यहां से भी आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो लोग हैं यानी कि जो कॉमन सिविलियंस है, चाहे वो ईरान के हो, चाहे वो यूके के हो, चाहे वो भारत के हो, ये मोर और लेस इनको अपने रिजीम से कोई खास उम्मीद है ऐसा दिखता नहीं है। इसी में साल 2022 के सितंबर के महीने में ईरान में एक घटना घटता है जिसमें लगभग 20-21 साल की एक महिला जिनका नाम माशा अमीनी रहता है, इनको तेहरान में पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं और लगभग 3-4 दिनों के बाद इनका पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाता है। जो रीजन कहा जाता है वो ये रहता है कि माशा अमीनी के जो कपड़े रहते हैं वो एज पर इस्लामिक लॉ नहीं रहते हैं, या इसको अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो माशा अमीनी के जो कपड़े थे उस तरीके से वो कपड़े पहन के नहीं थे जिस तरीके से ईरान की जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं। तो जब आम पब्लिक को ये मालूम पड़ता है कि माशा अमीनी का पुलिस कस्टडी में डेथ हो गया और इनके बॉडी पे बहुत सारे चोट के भी निशान थे, तो इसके बाद लगभग एक साल से भी ऊपर हो गया कि ईरान का जो सोसाइटी था वो जल रहा था, जहां पे तेहरान हो गया या अलग अलग जगह पे वहां के कॉमन सिविलियंस और सरकार के बीच में डायरेक्टली एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो गया था। इसी बीच बढ़ चढ़कर लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया और लगभग कुछ 1000 से भी अधिक लोग इस
पूरे प्रोटेस्ट में मारे गए थे। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं ईरान अपने आप को एक रिलीजियस माइंडसेट से बाहर नहीं निकालना चाहता है। अगर वो किसी भी तरीके से अपने सोसाइटी को और लिबरल बनाएगा तो वहां के जो सुप्रीम लीडर है उनका अथॉरिटी को सीधे चैलेंज पहुंचेगा, जो कि किसी भी तरीके से वहां के सुप्रीम लीडर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी बीच इंटरनेशनली भी ईरान के अपने ही अलग मसले चल रहे हैं, जहां पे इसके संबंध सऊदी अरेबिया हो गया, यूएसए हो गया, इसराइल हो गया, या कह ले कि ईरान खुल के बिजनेस नहीं कर पाता है जिस तरीके से उसे बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी देश ईरान के साथ बिजनेस करेगा तो यूएसए उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, और शायद ही कोई ऐसा देश है कुछ को छोड़ के जो डायरेक्टली यूएसए से लड़ना भिड़ना चाहेगा। जहां तक बात किया जाए ईरान के बारे में, तो इसके पास लगभग 9.5% दुनिया का ऑयल रिजर्व है और लगभग कुछ 17% इनके पास गैस रिजर्व है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। किसी टाइम पे भारत और ईरान के संबंध अच्छे थे, क्योंकि उस वक्त भारत और ईरान दोनों बढ़ चढ़कर व्यापार कर रहे थे। क्योंकि ईरान किसी भी तरीके से ये कोशिश कर रहा कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, और कम से कम 3-4 देश तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान मिलिट्रियली अपने आप को और मजबूत करे, जिसमें सबसे पहला है सऊदी अरेबिया, यूएसए, इसराइल और भी वहां के आसपास देश। क्योंकि ईरान इसी जिद पे अड़ा है कि उसे न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना है, तो एज अ रिजल्ट ये होता है कि यूएसए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जाता है, तो इसलिए भारत ईरान से तेल परचेस नहीं कर पाता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो भारत और ईरान के जो बीच का डिस्टेंस है वो भी इतना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर भारत ईरान से ऑयल परचेस करता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो कम लगेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी हमें काफी बचेगा। और ईरान हमें एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे हमें ऑयल देता है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत ईरान के जो चाबहार पोर्ट है वहां पे अच्छा खासा हमारा इन्वेस्टमेंट है, और हम स्लोली एंड ग्रेजुअली कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ हम बिजनेस को करें। लेकिन वहीं पे यूएसए का भी यहां पे एक बहुत ही सख्त नजर है, और साथ में अगर बात किया जाए तो इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश ईरान के साथ बिजनेस करे। वहीं पे अगर बात किया जाए तो इसराइल और भारत के संबंध फेयरली अच्छे हैं। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग है। जहां पे दो देशों के बीच में संबंध अच्छे हैं तो किसी और के साथ खराब है, तो किसी और का इंटरेस्ट किसी और के माध्यम से निकलता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मिडिल ईस्ट रीजन में ऑलमोस्ट सभी देशों के पास ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व है। अगर किसी भी तरीके से मार्केट में ईरान का तेल आता है तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का जो एक्सपोर्ट है उसको डेंट पहुंचेगा। तो ये चीज अगर आप सऊदी अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद अगर बात किया जाए सऊदी अरेबिया या यूएई के बारे में, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल से जो अपना डिपेंडेंसी है उसको कम करें। स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए सऊदी अरेबिया के बारे में, तो इनका जो एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 90% जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही करते हैं, और सऊदी अरेबिया एज एन कंट्री इनका भी अपना खर्च है। तो कहने का मतलब है कि कम से कम आने वाले 10 से लेकर 15 सालों तक सऊदी अरेबिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है इसको किसी भी तरीके से खतरा पहुंचे या वो कम हो। इसी बीच सऊदी अरेबिया यूएसए के काफी करीब है, लेकिन इसराइल इससे काफी खफा रहता है, क्योंकि यूएसए सऊदी अरेबिया को बढ़ चढ़कर वेपन भेजता है और यूएसए का जो संबंध है वो इसराइल के साथ अच्छे हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए ईरान का, तो ईरान के जो संबंध है वो यूएस के साथ भी खराब है और इसराइल के साथ भी खराब है। तो यहां से एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि सऊदी अरेबिया अपने बिजनेस को एज यूजुअल इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके जो संबंध है वो यूएसए के साथ अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ईरान से कहीं बेहतर फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की है। सो सिंपली अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो बहुत उम्मीद करना कि मसूद पेजेशकियान कोई बहुत बड़ा चेंजेस ले आएंगे या भारत और ईरान के संबंध में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ऐसा अभी कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन घटा नहीं है, ये अभी जस्ट प्रेसिडेंट बने ही है, तो इसलिए जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कम से कम यहां से हम एक साल रुकते हैं और देखते हैं कि मसूद पेजेशकियान का क्या अप्रोच रहता है इंडिया के खिलाफ, और ओवरऑल जो इनका फॉरेन पॉलिसी होता है उसको ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।